नीलाद्रु शंख मध्ये सतदळ कमळे रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं जाग्रजेनं भद्राय वाम भागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेण वंद्यं वेदानं सारमीशं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारू स्मरामि ब्रह्मदारू स्मरामि। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। ओडिशार जनजीवन, ओडिशार साहित्य, ओडिशार संस्कृति और इतिहास सह अंगांगी भावे जड़ित महाप्रभु श्री जगन्नाथ ओडिया मानसिकतार एक स्पर्शकातर एवं आवेगिक देवता। श्री जगन्नाथंक द्वादश यात्रा को नहीं भक्तमानंक मध्यरे जे आनंद जे उद्दीपना और भावावेग देखा दिए तार दृष्टांत अन्य केउठी देखिबा को मिले नहीं। उत्कल अवनी महाप्रभु श्री जगन्नाथंक ता वक्षरे धरि आज धन्य होइ उठिछि, उत्कल आज वैकुंठ सम होइ उठिछि। उत्कल अवनी कितप करी कृतार्थ तुम्भंकु बक्षरे धरी छड़ाई आणिछि स्वर्ग संपद लभिचि मर्त्यरे वैकुंठ पद से धन्य तो पुण्य महिमा जे श्री जगन्नाथंकु करिअछि जहा प्रीतिर पूजा प्रतिमा जे प्रीतिर पूजा प्रतिमा। उत्कल अवनी आज महाप्रभु जगन्नाथंकु ता कोळरे पाई वैकुंठ सम होई उठिछि। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर एही द्वादश यात्रार अयमारंभ होइथाय स्नान यात्रारु। महाप्रभुंक जे षडांग संस्कार होइथाय सेही षडांग संस्कारर प्रथम संस्कारटि होउछि स्नान यात्रा। स्नान यात्राकु देवस्नान पूर्णिमा मध्य कुहाजाइथाय। ज्येष्ठ मास पूर्णिमारे पालन कराजाउथिबा एही पर्व महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर एक विशेष यात्रा। स्कंद पुराण अनुसारे एहा श्री जगन्नाथंकर जन्म दिवस बा प्राकट्य दिवस अटे। भगवानंक लीला अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवानंक लीला अनंत, तांक लीला असीम। एही दिव्य लीला गुडीकु भगवान केवल भक्तमानंक सहित भावपूर्ण आदान प्रदान करिबा पई करिनथांती, बरं भक्तमानंकु ए भवसागरर दुःख दाउरु उद्धार करिबा एहार एक प्रमुख कारण। से त भक्तर भावरे बंधा, से त भक्तर भावर ठाकुर। भावरे भावरे भाव विनोदिया, भावरे से भाव ग्राही। भावरे भावरे भाव विनोदिया, भावरे से भाव ग्राही। भावरे भावरे भाव दिए निए, भावरे से गुण ग्राही। किए कहे ताकु कालिया शांत, किए कहे कला चांद। किए कहे ताकु गोविंद गोपाल, से कहा पाई रामचंद्र। कहा पाई सीए बुद्ध महावीर, कहा पाई महाकाली। भक्त भावरे बंधा से ठाकुर, भक्त हृदय गोलामाळी। से भक्तर भावरे बंधा, भक्तर मन बुझिपारि भक्तर को पापर दाउरु रक्षा करंती से भावर ठाकुर। भगवानंकर एही दिव्य लीला गुडीक विषय रे जेबे आमे जानु शुणु बा स्व चक्षुरे देखु आम भितरे जन्म जन्मांतरु थिबा पाप क्षय होइथाय। एवं महाप्रभुंक कथा बारंबार श्रवण कले आम मनरे भगवत प्रेम उत्पन्न हुए। भगवान जेऊ अवतार रे धरारे अवतीर्ण हुवंतु ना काहीकि, से नृसिंह अवतार हुवंतु बा मत्स्य अवतार हुवंतु, से कूर्म अवतार रे अवतीर्ण हुवंतु बा काष्ठतुल्य जगन्नाथ हुवंतु, तांकर उद्देश्य केवल एकमात्र केमिति भवसागर रे पथच्युत होइ घुरि बुलुथिबा जनमानस तांक शरणापन्न हेबे। भगवानक लीला दर्शन करी भक्त भगवानक निकटकु एमिति टाणी होइ जाए जेमिति झरणा बा नद नदीर जल जाई समुद्र रे मिसिथांती। देख ए जेते नद नदी प्रवाहे मिलंती जलधि, लवण जले से मिसंती निजस्व गुण पासोरंती। जेमिति नद नदी झरणा जाई समुद्र रे मिसी से लवण जल रे मिसी निजर स्वगुण पासोरी थांती। सेहिपरि भक्त जेउ जन्म जन्मांतर पातक निज शरीर धरी रखिथाय भगवान
भगवान लीला दर्शन द्वारा भगवान लीला श्रवण द्वारा तार से पातक क्षय हुए से भगवान लीन होता है तार मन भितर भगवत चिंतन सृष्टि होता है। स्कंद पुराण अनुसार देवस्नान पूर्णिमा महाप्रभु श्री जगन्नाथ प्राकट्य दिवस तेरे चलतु महाप्रभु प्राकट्य विषय जाणी। एकदा द्वारका माता रोहिणी श्रीकृष्ण पाटराणी मान कृष्ण किपर राधा और गोपी मान सहित लीला करुले से वृतांत शुणाऊ से ही समय द्वार निकट में ढड़ा होते महाप्रभु श्री कृष्ण भ्राता बलराम और भगिनी सुभद्रा। एक श्रवण मात्र कि तीन ठाकुर एत आनंदित एत भावविह्वल हो उठिले कि आखि विस्मय बड़ बड़ होगला अधर हसरे चौड़ा होगला एवं अन्य अंग जड़पालटी शरीर भितर प्रवेश करगला। देवर्षि नारद जेतेबेले ही रूप देखिले से अत्यंत आनंदित हो उठिले संगे संगे आसी पहुँची गले कहले प्रभु ये आपणकर कमनीय रूप आपणकर कमनीय रूपर दर्शन सौभाग्य सारा विश्ववासी को मिलू प्रभु। परवर्ती कालरे कालक्रमे राजा इंद्रद्युम्न द्वारा महर्षि देवर्षि नारद से इच्छा परिपूर्ण होता। महाप्रभु निजे राजा इंद्रद्युम्न स्वप्न आसी कहिले ज्येष्ठ मास पूर्णिमा मोर जन्म दिवस तेणु से ही दिन मत जलाभिषेक कराइब। स्वयं भूविकृते तत्र देशे तव मखांचिते अवतीर्ण स्वयं ज्येष्ठं तज्जन्मदिन मम तत्पौर्णमी दीने भूपस्नान मे कार्य मादरात महास्नान विधौ भक्त्या यथाविधि महोत्सवे। से ही दिन ठारु महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वप्नादेश मानि राजा इंद्रद्युम्न स्नान यात्रार देवस्नान पूर्णिमार परंपरा चलाई आसिले। से ही दिन ठारु से ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान यात्रा रूप मना जाए। श्रीमंदिरर समस्त पर्व से द्वादश पर्व जदि आम तात्विक विश्लेषण करवा स्नान यात्रा ही सब पर्वर आरंभ होता है। स्नान यात्रा आठटी विधि को नहीं संपन्न होता है। से जो अष्ट विधि प्रथम विधि है चौठी होम द्वितीय विधि जलाधिवास तृतीय विधि सुवर्णकूप संस्कार चतुर्थ विधि पहंडी पंचम विधि देवस्नान षष्ठ विधि गजानन बेश सप्तम विधि भोग और शेषे महाप्रभु श्री जगन्नाथ अनवसर को जाती। तेरे आम देखा प्रथम विधि चौठी होम एकादशी दिन चार दिन पूर्व स्नान यात्रा चारिदिन पूर्व श्रीकृष्ण और रुक्मिणी बह कार्य जमी भगवान सतेक मानवीय लीला करपर बह कार्य संपन्न होता है। ठीक स्नान यात्रार पूर्व दिन रात्रि पूर्व चतुर्थी होम जमी मनुष्य बह चतुर्थी होम होता है सेमती महाप्रभु बहार चतुर्थी होम पालन होता है। चतुर्थी होम सर हस्तिद्वार निकट में माता शीतला पाखे रही सुवर्णकूप सेठार समस्त तीर्थ को सकल तीर्थ को आह्वान कराई था सकल तीर्थ को आह्वान करागलापर से शहे आठ गड़ पा नहीं अधिवास गृह सुरक्षित भाव रखा जाए था से चंदन कर्पूर विभिन्न सुगंधित तैल मिशा जाए था महाप्रभु को गाधोईदेवे पूजा पंडा मैंने अति आनंद अधिवास गृह रखि था विधि को आम जलाधिवास जानू। परवर्त समय रात्रि सुवर्णकूप संस्कार कराए समस्त पंडा मैंने पुरोधा मैंने आसी से ही कूप को संस्कार करती सुवर्णकूप संस्कार शेष हो सका हो जाए सूर्योदय हो महाप्रभु नीतिकांति आरंभ हो जाए स्नान यात्रार महाप्रभु रत्नवेदी पहंडी हो जाती स्नान बेदी को महाप्रभु रत्नवेदी स्नान बेदी को गला बेले हली दोहली झुली झुली भक्त मान दर्शन दे आनंद खेली खेली जाते स्नान बेदी को से स्नान करे पहंडी सरु सरु आरंभ हुए देवस्नान विधि जो शहे आठ गड़ पा नहीं रखा जाए था सुवर्णकूपर से महाप्रभु को सूर्यास्त पर्यंत स्नान कराए। महाप्रभु निजे ही स्वप्नादेश इंद्रद्युम्न को जनई देते कि मत एमती एक स्थान में स्नान कराइब जोठार देवता तो देवता मर्त्यमंडल मनुष्य मैंने मत देखी मो लीला देखी कृत्यकृत्य हो उठे। महाप्रभु से स्नान जात्रा देखापी कहीं केते दूर भक्त मैंने धाई आसती बड़दाण्ड धन्य हो उठे भक्त मान बक्षे धरी भक्त मैंने देवस्नान पूर्णिमार से महाप्रभु अति रमणीय लीला देखी कृत्यकृत्य हो उठती। देवस्नान सरु सरु महाप्रभुंकर गजानन बेश हुए आह कि सुंदर से बेश से गजानन बेश पक्षरे बहुत सुंदर कहानी टी अच्छी जड़े अत्यंत परम ब्रह्म भक्त थिले तांका नाथिला गणपति भट्ट
ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପାସକ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚେ, ସ୍ନାନବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ନିରାଶରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଗଣେଶଙ୍କର ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ, ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ୟାଙ୍କର ତ ହାତ ନାହିଁ, ୟାଙ୍କର ତ ଆଖି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ, ୟାଙ୍କର ତ ଆଖି ପତା ନାହିଁ, ୟାଙ୍କର ତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ୟାଙ୍କର ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ଇଏ ବା କିପରି ମୋ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇପାରିବେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ହିଁ ଭୁଲ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିବାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅଠର ନଳାଠି ପହଞ୍ଚୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ତ ଭକ୍ତର ଭାବର ଠାକୁର, ସେ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଦେଖିଥାନ୍ତେ କିପରି। ସେ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଦେଖି ନ ପାରି ଏକ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ବେଶରେ ଆସି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ଅଟକାଇ ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରି ଯାଉଛ ମନ ଦୁଃଖରେ। ଯେତେବେଳେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କଠୁ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲ ଦେଖିଛ, ଆଉ ଥରେ ଫେରିଯାଇ ଦେଖ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ, ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଗଲେ, ଫେରିଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧଳା ଗଣେଶ, ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଳା ଗଣେଶ ରୂପରେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ। ତାହା ଦେଖି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଉଠିଲା କି ଏ ହିଁ ମୋର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏହି ଗଜାନନ ବେଶର ରୀତିନୀତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ଗଜାନନ ବେଶ ସରିଲା ପରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ, ସେହି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରନ୍ତି। ଏବଂ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳଥିରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଶୀତଳ ପବନ ଏବଂ ଗାଧୋଇଥିବା ଶୀତଳ ଜଳ ଏବଂ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଶୀତଳ ପୁଷ୍ପର ପ୍ରଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣସର ଗୃହକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ବାଣୀକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ନମାଗୈ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ନମାଗେ ମଣି ମାଣିକ୍ୟ, ନମାଗେ ନୟନ ନିଧି ବର କାମିନୀ, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ତୁତିଆ ବଳି ଗାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି, ପରାଣ ଲୋଡ଼େ ମୋ ତାଙ୍କୁ ଦିନ ଯାମିନୀ, ପଥୁକି ମୋ ନୟନ ପଥେ, ପଥୁକି ମୋ ନୟନ ପଥେ, ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।